Higher concentration, lower concentration. ये जो रखे हैं सेमी परमीएबल मैम्ब्रेन,
ड्रॉ करो फिर मुझे समझाना है। मोहसिन आपको दिख रहा है? यस मैम। क्लियर हो गया? हो गया? देखिए मैंने बोला ओस्मोसिस ये होता है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर की तरफ? हायर कंसेंट्रेशन, सॉरी हायर से लोअर, ठीक है? हायर में नहीं, हायर से लोअर, ठीक है? अब देखिए, अब हमने एक तरफ ले लिया प्योर वाटर, एक तरफ ले लिया सॉल्यूशन, बताइए सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसमें जाते हैं? दूसरा आप एक मान लीजिए चीनी मिलाई, कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा हाई होगा? चीनी वाले, ठीक है? तो इसमें तो कुछ मिला हुआ नहीं, प्योर होगा नहीं, लेकिन इसमें मिक्स हो गया ना सॉल्वेंट में, सॉल्यूट मिक्स होके सॉल्वेंट बनाना, ठीक है? सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट किसी चीज का मतलब सॉल्यूट मिलकर के बनता है ना सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर सॉल्यूशन, ये क्लियर है? मतलब सॉल्वेंट को बोलते हैं सॉल्यूट को बोलते हैं, ये होता है सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट होता है जो घुलता है, सॉल्वेंट होता है जिसमें घुलता है, और सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर, ठीक है? तो कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा हाई होगा? इसमें, क्योंकि इसमें दूसरी चीजें मिक्स होगी, इसका कंसंट्रेशन लो होगा, इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है? जब किसी भी मिक्सचर में या किसी भी वाटर में या किसी भी लिक्विड में हम सॉल्यूट बढ़ा देंगे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। Addition of solute particles always decreases the potential or ability of movement. Of pure water. समझ में आया? हाँ जी बोलिए। रिपीट करना। देखो ये मैंने बोला एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑलवेज डिक्रीजेस द पोटेंशियल और एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? प्योर वाटर, देखिए जब पानी में जितने ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे, एक एक तरफ आप दोनों दो एक्सपेरिमेंट करिए, एक तरफ आप पानी का प्रोसेस कराइए सिंपल पानी का, और एक तरफ आप सिंपल पानी में चीनी मिला के प्रोसेस कराइए, तो जब चीनी वाला जो होगा वो स्लो होगा, क्यों? क्योंकि उसने उसमें सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट मिलाया तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। देखो खाली खाली जगह में चलोगे तो प्योर वाटर क्या है, उसमें कोई सॉल्यूट ज्यादा है नहीं, खाली खाली है, उसको कोई एनर्जी फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन जब हमने चीनी मिलाया उसमें कंसेंट्रेशन हाई हो गया, हाई कंसेंट्रेशन हो गया सॉल्यूट मिलने से, तो उसको एनर्जी लगेगी आगे बढ़ने के लिए, किसी गाड़ी चीज को बढ़ने के लिए, जब उसे सॉलिड मिला के चीज गाड़ी को देगी ना, गाड़ी चीज को बढ़ाने में और नॉर्मल चीज को बढ़ाने में डिफरेंस यही होता है, उसका कंसंट्रेशन हाई होता है तो वहां एनर्जी लगती है, ठीक है? तो ये मैंने यही पॉइंट लिखवाया था पड़ोस में, उसमें मूवमेंट की एबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है? समझ आया ये पॉइंट?
ठीक है, या किसी भी चीज में प्योर वाटर ने यहाँ पे रेफरेंस लिया है कि किसी भी चीज में सॉल्यूट जितने बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी मूवमेंटेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अरुण के पास में तो बोल गए। अगला पॉइंट अब देखिए समझिए, ऑस्मोसिस देखो, अगला पॉइंट लिखो, ऑस्मोसिस इज अ ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। मोसिल लिखा आपने? Yes, ma'am. Osmosis is a special type of diffuser. ठीक है, देखिए कैसे पता चला, क्वेश्चन सीधे सीधे ही आएगा। ऑस्मोसिस, क्या ऑस्मोसिस को हम डिफ्यूजन कह सकते हैं? यस, ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, ये भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस is diffusion, but diffusion is not always osmosis. ठीक है, लिखा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। देखिए आपको कैसे पता चला, फर्स्टली डिफ्यूजन में कैसे चल रहा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ऑस्मोसिस में कैसे चल रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ उसमें लेकिन पूरा कन्वर्ट होता है, लेकिन ये एक टाइप है, एक टाइप है, स्पेशल टाइप, मैंने उसी लिए स्पेशल बोला है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, और स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, क्या ऑस्मोसिस में अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा या नहीं? अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब ऑस्मोसिस में वो हायर से लोअर है, नॉर्मल हायर से लोअर है तो अपहिल में नहीं, क्या होता है ट्रांसपोर्ट? क्लास में जो अच्छा क्लास नहीं गया था, कल ही बताया ना मैंने, कल नहीं आई थी आप? अच्छा चलिए कोई नहीं, देखो मोसिस। यस मैम। ट्रांसपोर्ट क्या होता है मुझे बताओ मैम, क्या चीज? अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट एम लिख दीजिए। अपहिल ट्रांसपोर्ट, उज्जवल बताओ जल्दी, चलिए सुनिए, अपहिल ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें लोअर से हायर में जाता है,
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है, तो ऑस्मोसिस में अपील नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट लिखिए। ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर एंड कंसंट्रेटेड, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देखिए ये समझिए कैसे। एक आपने एनसीईआरटी में देखिए वो दिया हुआ डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम इधर वाले पेज पे, हाँ ये 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 ये, हाँ ठीक है। ऊपर से देखिए हमने एक पंप लिया, यहाँ पे पंप का काम कौन करता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन किसका काम कर रहा है, पंप का काम कर रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, पंप लिया, नीचे जो लगी एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके नीचे क्या है, पूरा पानी है, ठीक है। ऊपर से हमने सेकंड वाला डायग्राम में ऊपर से हम प्रेशर लगाते हैं, जब हम किसी भी चीज में प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका ऑस्मोसिस रेट बढ़ेगी। ठीक है, लिखिए, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, ऑस्मोसिस रेट इंक्रीजेस। And when we increases concentration, when we increases concentration, osmosis rate decreases. ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए, कैसे कैसे काम करेंगे ये, अरे क्लियर हुए। ठीक है, अब एक बार इसको रीड कर लो, ऑस्मोसिस को इसमें ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ भी डालता है ऐसा कुछ, बस कहाँ तक रीड करना है, लेकिन ये जो लेयर के इस पैनल पर है वो बस ऐसे ऊपर से रीड कर लेना है, रीड करने के इसमें नहीं। इधर एक एक चीज और देखिए, देखिए वाटर से इधर की तरफ ऑस्मोसिस होगा तो फास्ट होगा, इधर से इधर की तरफ जो होगा स्लो होगा, क्योंकि इधर सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, तो इधर की तरफ क्या होगा, स्लो, और इधर की तरफ फास्ट, मूवमेंट दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ हो सकता है, जिधर से मतलब ये मैंने डायग्राम में कॉमन बना करके दिखाया है, जिससे आपको एक ही डायग्राम में समझ में आ जाए। ठीक है, कॉमन बना के दिखाया है। एक बार मोसेस एक बार रीड करो, मोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें दो से तीन लाइनें जो मैंने लिखवाई है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर से लोअर में चलता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, क्या क्या इसको अफेक्ट करता है, दोनों ग्रेडियंट मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ठीक है, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसमें सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोसिस घटेगा, ठीक है, ऑस्मोसिस की रेट डिक्रीज होगी। ये दो ये भी आप एक बार रीड करो, अगला हेडिंग डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। मम्मी प्लांट के बारे में भी तो एक्सप्लेन कर रखा है इसमें ऑस्मोसिस की हेडिंग में। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, मौसम फिर से बोलो। मैम ये टोनोप्लास्ट और ये दे रखा है। हाँ देखिए टोनोप्लास्ट क्या होता है, देखो टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है, वैक्यूल को बोला जाता है टोनोप्लास्ट,
जो एनिमल्स में होता है ना, एनिमल्स में वैक्यूल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इसके जो ऊपर मेम्ब्रेन है, अंदर कोई स्पेस है नहीं, इसकी मेम्ब्रेन को मेनली क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल के ऊपर। ठीक है, वैक्यूल का मतलब ये होता है फ्री स्पेस। ठीक है, ये एनिमल्स के बारे में होता है, एनिमल्स को प्रीफर करता है। ठीक है, एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट। एक्सेप्शन भी तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर तो प्लांट्स में एक्सेप्शंस होते हैं। सो देखो क्या एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का सही ये भी नहीं आया, सो नहीं आता है इसमें। एनिमल्स में हम हायर स्टडीज में जाओगे, उसी तरह से थोड़ा क्लास में कभी कभी क्या होता है, देखो उसमें एनिमल्स में एक्सेप्शन में ये डोमिनेंट नहीं होती, इन अ रिसेसिव फॉर्म ये कुछ एनिमल्स में होती है। दोनों और ये एमएससी सिलेबस में आता है, इसमें नहीं आता, तुम्हारे ट्वेल्थ वाले में नहीं आता, तो उसमें दे दिया था। जब पीजी कर रहा मतलब पीजी में, नीट पीजी में दिया तो उसमें एक्यूरेट वाला बना था। मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया है, एग्जाम में अगर आएगा तो तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, वो कह रहा है अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपके लेवल पर आएगा, और योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि केसेस में होती है। मैम ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स मतलब जो उसको लगाया गया है फोर्स डायरेक्शन में। हाँ देखो, हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया है ना ऊपर, तो फोर्स भी लगेगा ना उसके साथ में। यहाँ पे एग्जांपल तो समझिए, आप देखो जब हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जब फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर पड़ेगा ना। जैसे हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे, प्रेशर के साथ में फोर्स लगाना जरूरी है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर देने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स लगाएंगे जिधर, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसको बोला जाएगा। हाँ बताओ, कुछ बताओ सॉल्यूशन ऑफ दिस चैम्बर है लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल की बात है, इसमें कंसंट्रेशन डालो, तो किसमें कंसंट्रेशन डालना है, बी में हो, इसमें अगला देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस चैम्बर है लोअर सॉल्यूशन, इसमें कम होंगे लोअर वाटर का सॉल्यूशन कम होंगे, प्योर वाटर में सॉल्यूट कम होंगे ना, तो बी जाएगा इसमें। देखो क्वेश्चन कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, किसमें पोटेंशियल ये सॉल्यूट कम है, किसमें कम है सॉल्यूट बताओ। सॉल्यूट तो नेगेटिव होता है ना, सॉल्यूट जो रहता है वो नेगेटिव है, ऐसा ना देखो ना बेटा, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट होता क्या है। अभी मैंने बताया जो घुलता है, जो घुलता है वो सॉल्यूट, जिसमें घुलता है सॉल्वेंट, और जो दोनों मिक्स होकर बनता है सॉल्यूशन। तो इसमें किसमें सॉल्यूट कम है, दोनों में सॉल्यूट किसमें कम है, ये तो ऑलरेडी सॉल्यूट से मिलके बनाया है। पढ़िए ऊपर देखो, इसमें कुछ नहीं है,
पिछले वाले मतलब पिछले वाले पेज पे लिखा है थोड़ा समझा रहे हैं इसमें लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्क्लोजिंग बेटा क्या कर रहे हो वाटर पोटेंशियल सबसे नीचे वाला जो रहेगा मैम इसमें जो करेगा इससे चौथे टाइम अच्छा ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लर्निंग फ्यूचर रिटर्निंग ऑफ द सॉलिड स्पार्क सॉलिड प्रो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू दिस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बेटा दिस सॉल्यूशन क्या होता है हां इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल ठीक है सॉल्वेज नेगेटिव इज आगे बढ़ने आगे बढ़ते चले The more solid molecules. The lower, more the negative. More negative. Hmm. ठीक है. और solution में कौन सा solution? मैंने ये लिखा है कि अगर जितना ज़्यादा solution डालते रहिए और वो उतना ही ज़्यादा लोयर होता चलेगा. More होता चलेगा. तो मैंने solution के body को सीधा B वाले में लाता है तो B वाले का ही काम होगा. मेरा पूरी बात है. जो water potential है. ये एक फॉर्मूला है ठीक है यहाँ पे प्लस और माइनस साइन यूज होता है ठीक है वाटर पोटेंशियल में जो एक फॉर्मूला होता है जो साइन लगा करके हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लगा करके करते हैं वो एक फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस और माइनस यूज करता है ठीक है वो बोल रहा है लेकिन जो ऑस्मोसिस में सॉल्यूट की बात करता है ऑस्मोसिस में वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे नहीं करता ऑस्मोसिस में वो नॉर्मल सॉल्यूट के बारे में नॉर्मल सॉल्यूट को रेफरेंस लेकर के बात करता है एक बात मेरी सुनो जब तुम नॉर्मल पानी में चीनी मिलाओगे तो मुझे बस इतना आंसर दो क्या कंसंट्रेशन कम होगी ज्यादा होगी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ज्यादा होगा जैसे प्योर वाटर उसका सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा ना वो ज्यादा होगा लेकिन जब तुम चीनी को उसमें घोल देंगे तो उसका सॉलिड पोटेंशियल जो होगा वो और डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूट की बात करें ना सॉलिड पोटेंशियल पोटेंशियल पूछा है तो बी जितना हाँ इस इसका भी है ना सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर है जो लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल इसका तो भी है और कौन सा अब इसका एक और बताना है इसका भी है बोलो इसका भी है एक मिनट इसका भी नहीं होगा बी इसका होगा ना दिले ए इसका होगा बस इसका ए होगा वही हम ए डिस्कस कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा सॉरी क्वेश्चन क्या बोला है लोअर वाटर पोटेंशियल तो जहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट ऑफ वाटर वाटर के जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वहां पर उसका पोटेंशियल कम होगा प्योर वाटर का पोटेंशियल कितना होता है जीरो होता है फिर कभी भी वो ज्यादा नहीं होगा हां ज्यादा नहीं डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो इसमें मतलब ये है ना जिसमें बी मतलब ये पूछ रहे हैं कि किसका वाटर पोटेंशियल कम होगा हां वाटर पोटेंशियल किसका कम जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा मिले होंगे इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा एक मिनट सुनो इन दोनों को अगर आप नॉर्मली कंपेयर करो
ठीक है, तो किसमें, ये किसके बेसिस पे पूछ रहा है, सॉल्यूट के बेसिस, सॉल्यूट किसमें नहीं है, प्योर वाटर में नहीं है, या फिर प्योर वाटर का पोटेंशियल कितना है उसने डिस्कस ही नहीं किया है। उन्होंने डायग्राम दिया है ना, जो तुम बोल रहे हो ना वो सब यहाँ वो सब जैसे अप्लाई कर लो वो सब आगे जो वॉटर प्रेशर ठीक है रिवर्स ऑस्मोसिस वहां पर अप्लाई कैजुअल रेफरेंस के बेसिस पे रफ डायग्राम दिया है। ये जो डायग्राम इसने दिया हुआ है यहाँ पे ये कैजुअल रेफरेंस के बेसिस पे दिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे। इसके हिसाब से आंसर देंगे ना, इस डायग्राम के हिसाब से देंगे, उस थ्योरी के हिसाब से नहीं देंगे कि वाटर का पोटेंशियल कितना होता है। इस डायग्राम के साथ से सॉल्यूट के बेसिस, नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे हम यहां पे इसका आंसर करेंगे। मोस्टली बड़ा कि वाटर का ये ऑस्मोटिक प्रेशर बात करेगा, मोल प्रेशर बात करेगा, ठीक है, टर्बल प्रेशर की बात करेगा, जो आपको नहीं पता वो टर्म्स आपको पहले ही पता चलता है, उसकी बाद में वाटर इक्वेशन बना, ठीक है। अरुण मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं बताती हूँ, ऑस्मोसिस कैसे होगा, ऑस्मोसिस तो बता देते हैं, ऑस्मोसिस कैसे होगा, ऑस्मोसिस कैसे होगा, देखो ऑस्मोसिस इसमें वाटर पोटेंशियल कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है, क्या होती है, वो सब भूलो, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस डायग्राम से ये बताना चाह रही हूँ ऑस्मोसिस कैसे चलेगा। यहाँ से प्योर वाटर में नंबर ऑफ सॉल्यूट कम है तो इधर से फास्ट होगा, रेट के हिसाब से मैंने आपको जो पॉइंट लिखवाया उसके बेसिस पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम का इस डायग्राम में बहुत डिफरेंस है, जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें बहुत डिफरेंस है कॉलिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। ये देखिए इसमें प्योर वाटर नहीं लिया गया है, इसमें सिर्फ वाटर और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड किए गए हैं, समझ रहे हो, और मैंने यहाँ पे प्योर वाटर लिया है, प्योर वाटर में सोल्यूट एडेड नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे इस डायग्राम में सॉल्यूट ऐड किया बेटा, उस डायग्राम को छोड़ो ना, उस डायग्राम को छोड़ो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से ऑस्मोसिस समझा रही हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ये डायग्राम आपको वाटर पोटेंशियल पढ़ने के बाद क्लियर होगा, इसीलिए उसने इससे पहले वाटर पोटेंशियल दिया, लेकिन इसमें जो टर्म यूज होंगे वो टर्म आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको पहले ऑस्मोसिस करा दिया। ये वाला डायग्राम उसी के लिखे, इट इज द प्रेशर विद विच ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम प्योर वाटर टू अ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन जब ऑस्मोसिस होता है, अब ये जो मैं बता रही हूँ इसको समझो, मैं रेफरेंस इस डायग्राम के बेसिस पे बता रही हूँ, बुक में डायग्राम मत देखना, वो वाटर पोटेंशियल के बाद देखना, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग प्योर वाटर से ऑस्मोसिस इधर की तरफ चलेगा, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि उधर नंबर ऑफ सॉल्यूट कम है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इधर होगा, ऑस्मोसिस होने के टाइम जो प्रेशर प्योर वाटर से सॉल्यूशन पे लगेगा उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कहां से, प्योर वाटर से सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, ये जो प्रेशर लग रहा है इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। ये तो बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रोसेस को रोक देता है,
देखो जब प्रेशर ज्यादा हो जाए, ठीक है, जब सॉल्यूशन में लगने वाला सॉल्यूशन का जो प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर हो जाए, ठीक है, तो वो ऑस्मोसिस करो. देखिए जब ये प्रेशर, ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर से कम होगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा. जब सॉल्यूशन अपना प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा. हाँ बोलिए मैम. मोसिन को ऐड कर लीजिए. देखिए जब सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तब ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है. बोल सकते हैं, हाँ बोल एक बोल से एक केस हो सकते हैं जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा, ठीक है, जब सॉल्यूशन ज्यादा प्रेशर होगा. ये क्या बोला, ये डायग्राम हम लोगों से आप लोगों लिखे अगर मैं, it is the amount of pressure, it is the amount of pressure applied over solution, applied over solution. To just prevent osmotic entry of water, osmotic entry of water into solution from your water. अभी तक देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लगा, इसने इधर से अपना प्रेशर लगाया और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में तब क्या होगा, ये इसकी एंट्री को रोक देगा. सॉल्यूशन अपने अंदर प्योर वाटर की एंट्री को रोक देगा. कब? इक्विलिब्रियम में. अगला पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आया कि आप क्या बोल रहे हैं. अगला अगला लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस movement ability or potential of water molecule
समझ आया मैंने बोला उसने क्या बोला? देखो जब हम प्रेशर बढ़ा लगाएंगे तो वाटर की जो एबिलिटी है मूव करने की वो बढ़ जाएगी। जब प्रेशर जितना ज्यादा ऑटोमेटिक प्रेशर का उतना ज्यादा एंटर कर सकता है ना पानी, ठीक है? तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन जितना ज्यादा ऑटोमेटिक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी ज्यादा एबिलिटी होगी मूव करने की। हाँ ये भी है। देखो अगर इसका कंसंट्रेशन हाई होगा तो इसमें एंटर करने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो कंसंट्रेशन किसका हाई होना चाहिए? सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हाई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। Higher is the concentration of the solution, higher is the concentration of the solution, more is the osmotic pressure of solution, more is the osmotic pressure of solution. ठीक है? ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला प्रेशर। लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आगे लिखो सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला प्रेशर, ठीक है? जो इधर लगता है, कौन लगा रहा है? प्योर वाटर, ठीक है? क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑलवेज जीरो, सॉरी प्योर वाटर। लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो। अगला पॉइंट लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू प्योर वाटर, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज मूव, सॉरी वाटर ऑलवेज मूव, सॉरी वाटर ऑलवेज मूव वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लिमिट है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे यूज करो, कंसंट्रेशन बोला जाता है, ठीक है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में जाता है, ठीक है? अब देखिए जैसे मान लीजिए एक डायग्राम में मान लीजिए यहाँ पे वन एनएसीएल ले लिया, वन एमएल एनएसीएल ले लिया, अगले वाले में टू ml fsc ले लिया, अगले वाले में थ्री, तो किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? इसमें थ्री वाले में, इसमें ज्यादा होगा थ्री वाले में। ऐसे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तीन डायग्राम बना करके दे दिया था उसने, ठीक है? आई थिंक बीएचयू में एएमयू बनाया, उसमें पूछा गया था किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगे, कौन लगाएगा, ठीक है? वाटर लगाएगा और थर्ड वाले में ज्यादा होगा, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट, लोअर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, मैम आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया? हाँ चलो,
चल रहा है। मैम दोबारा बता दीजिए प्लीज, मैं इतनी देर से ज्वाइन कर रहा था। वही बेटा अब इन बच्चों का रह जाएगा बाद में पूछना। लोअर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर इज मूवमेंट एबिलिटी। समझ आया पॉइंट अरुण? ये पॉइंट समझ आया? जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वहां पे मूव करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। कम कहां पे है? प्योर वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ना, तो इसकी मूव करने की एबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि समझ तो आप नहीं रहे लेकिन ये पॉइंट्स एज इट इज उनके स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है। मतलब जिस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो वो प्रेशर प्रेशर उस वाले की जो मतलब एबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी मूव करने की। चलो अगला पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आयनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। आयनाइजेशन क्या होता है ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है, लिख लिया। चलिए अगला एक और पॉइंट और बोल दीजिए। आयनाइजेशन इंक्रीजेस द एक्चुअल नंबर ऑफ अवेलेबल सॉल्यूट। मैम इंक्रीज के बाद इंक्रीजेस द एक्चुअल नंबर ऑफ अवेलेबल सॉल्यूट पार्टिकल्स ड्यू टू विच मूवमेंट एबिलिटी ऑफ मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डिक्रीजेस।
देखिए इसके बाद प्लाज्मोलाइसिस भी नहीं होगा, इसके बाद होगा ये वॉल प्रेशर, टर्नर प्रेशर, ये सारे प्रेशर, ठीक है, जितने जितने प्रेशर लगते हैं, ठीक है, सारे प्रेशर कंप्लीट करके प्लाज्मोलाइसिस में वॉटर पोटेंशियल हायर इज द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उधर को ज्यादा होगा, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर तो प्रेशर ज्यादा होगा ही होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि उधर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, देखो धक्का मुक्की में घुसने के लिए ज्यादा तुमको करना पड़ेगा ना, प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, जब कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट आपको ध्यान से नंबर ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल में, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और हाई कंसंट्रेशन होगा तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा करेगा। ये जो पॉइंट्स है बेटा मैंने किसे लिखा है, मैं सब में लिखा दी क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट में लिख करके आएंगे कि कौन सा ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए इनकरेक्ट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे रहे दो अलग अलग सोल्यूशन लेते हैं तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा ना वो प्रेशर देगा, ठीक है, क्लियर हुई। अगर प्योर वाटर के रेफरेंस में नहीं दे रहा है, दो सोल्यूशन के नाम लिख करके दे रहा है, अगर वो खुद से लिख के दे रहा है तो उधर अगर नहीं लिख रहा है प्योर वाटर ऑलवेज प्योर वाटर, ठीक है, अगर वो लिख के नहीं दे रहा तो ऑलवेज रेफरेंस प्योर वाटर। चलो जल्दी रिव्यूअर को डाउट करो कुछ। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ बोले, मैं एनसीईआरटी में लिखा है कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का, वाटर पोटेंशियल, हाँ क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं होते। मैम नीचे लिखा है कि जीरो होता है प्योर वाटर का, मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है ना बीपी, जो प्रेशर लेते हैं, कार पेज नंबर बताइए, पेज नंबर 170 देखो सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर है जीरो होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का में जीरो होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल देखेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट सबसे कम होते हैं प्योर वाटर में, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, कहाँ लिखा है आपका? मैम वाटर पोटेंशियल के सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन, हाँ ये बोला था, प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल की बात किया, क्योंकि पोटेंशियल मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट उसमें कम है, जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट कम होंगे वहां पे पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है,
और मैम अब इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन देख लीजिए एक मिनट. तो वहां पे मैंने बोला प्रेशर, तो प्रेशर की तो बात कर रहा है यहाँ पर. तो वहां पे प्रेशर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है तो जीरो होता है हमेशा प्योर वाटर का, ठीक है. लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है. मैंने एक पॉइंट लिखवाया भी है इसमें कॉपी में, नोट्स में एक पॉइंट लिखवाया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो. अच्छा मैम ठीक समझ गए मैम, वो प्रेशर ही पड़ेगा. हाँ. बस हो गया होगा, कोई डाउट है? चलिए हम फिर कल टर्बल प्रेशर एंड वॉल प्रेशर करेंगे. एनसीईआरटी में दिया है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बाहर से आता है क्वेश्चन. चलिए क्लास में.